नू हिंसा पर रिपोर्ट करते हुए जी न्यूज ने ये वीडियो चलाया और दावा किया कि सफेद शर्ट पहना ये व्यक्ति बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं बल्कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मी है। सबसे पहले तो आप जी न्यूज की ये वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए। तो वीडियो में जो लोग हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं वो बजरंग दल के सदस्य नहीं बल्कि पुलिस के जवान थे। राजू राज इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, देखिए एडीजीपी से आपने खुद बात की है और वो अभी हमने सुना है कि कैसी स्थिति है। ऑडियो पहले हम सुना देते हैं, उसके बाद आपका रुख करेंगे। राजू, ये जो वीडियो सामने आया उसका तो देखिए ये 31 जुलाई का वीडियो है जहां ऊपर से फायरिंग हो रही थी और पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनकी सुरक्षा में पुलिस यहां पर मुस्तैद थी। जो वीडियो वायरल हो रहे थे जिसपे ये दावा किया जा रहा था कि बजरंग दल के लोग हैं सदस्य फायरिंग कर रहे हैं, सादी वर्दी में पुलिस थी। दरअसल ये वर्दी में भी पुलिस यहां पर मौजूद थी और सादी वर्दी में भी पुलिस के ही लोग यहां पर मौजूद थे। ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, फंसे लोगों को बचाने गई थी पुलिस टीम। कुछ लोगों ने वर्दी पहनी थी, कुछ सादी वर्दी में थे। ऑल्ट न्यूज ने जी न्यूज के इस दावे की पड़ताल की और पाया कि मीडिया चैनल द्वारा ऑन एयर किया गया दावा बेतुका है। सबसे पहले गौर करिए कि इन दोनों लोगों के हाथ में जो हथियार है वो गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है जो भारत के आम नागरिक के लिए अधिकृत नहीं है, जबकि सफेद शर्ट पहने इस व्यक्ति के हाथ में भारत में आम नागरिक के लिए अधिकृत बंदूक है जिसके वुडन स्टॉक को रिप्लेस कर सिंथेटिक स्टॉक लगाया गया था। गौर करें कि आम नागरिक अपनी सहूलियत के हिसाब से हथियार मॉडिफाई करवाते हैं लेकिन पुलिस को इसकी अनुमति नहीं होती। वहीं सफेद शर्ट पहने इस व्यक्ति के हाथों में सिविल ट्रेड हथियार है जिसे लाइसेंस के साथ कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है। इतनी बातें नोट करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि संभव है कि ये व्यक्ति पुलिस नहीं बल्कि आम नागरिक है। आगे जांच जारी रखते हुए ऑल्ट न्यूज को सफेद शर्ट पहने इस व्यक्ति का ये इंटरव्यू मिला और उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ी की तरफ फायर कर रहे हैं, आपके पास एक राइफल है। इस वीडियो की हकीकत क्या है? जी दरअसल ये वीडियो में राइफल है, ये मेरी अपनी लाइसेंसी वेपन है। मेरे पहले से ही ऑलरेडी कम से कम मैं 40 से 45 मुकदमों में गवाह हूँ, उनमें अपने 5 से 10,000 50,000 तक के इनामी बदमाश पकड़े जा चुके हैं मेरी एफआईआर्स में जिनमें मैं मुद्दई हूँ और इसीलिए गवर्नमेंट ने मेरे को वेपन, मेरा लाइसेंसी वेपन दिया हुआ है। उस समय बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी, कम से कम 2 से 2,500 महिलाएँ जो मंदिर में बंद थीं, हमने देखा कि हमारी एक टुकड़ी आईजी ममता सिंह जी भी वहाँ पर आ गई हैं अपने 10 से 20 पुलिस वालों को लेकर, वहाँ पर पहुँची थी वो। और जैसे ही वो अंदर एंट्री करी है कम से कम एक साथ 50 से 100 राउंड फायर धड़ाधड़ चारों तरफ से, माहौल इतना बहुत गर्मा गया था, इतनी फायरिंग हुई थी वहाँ पर कि बचना किसी का नामुमकिन था। ऑन द स्पॉट हमारे एक आदमी को वहाँ पर गोली भी लगी है मगर फिर भी मैंने अपनी सुरक्षा में और सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक हवाई फायर वहाँ पर किया था जो मंदिर की सीमा के अंदर से मैंने वो किया था ताकि वो कुछ लोग डर जाएं जिससे कि हम बचाव कर पाएं। ऊपर से पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी लगातार, आप लोगों ने देखा और कितने लोगों को आपने करीब देखा होगा जो ऊपर से फायर कर रहे थे? हमने देखा कम से कम पूरी पहाड़ी की तरफ छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे आदमी दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ पहाड़ियों के आदमी थे, वहाँ से फायरिंग की धड़ाधड़ आवाज़ें आ रही थी। कम से कम तकरीबन मेरे मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूँ, मैं उनको गिन नहीं सकता, कम से कम 200 से 250 लोग थे। कुछ लोग उनमें से फायरिंग कर रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे वहाँ पर और कुछ लोग ऐसा था वहाँ पे कुछ
आग का की गोले की तरह कुछ वहां पे गिर रही थी चीजें, उसको भी नहीं बता सकते किस तरीके से। बहुत ही भयावह मंजर था। अगर मैं एक फायर मैं नहीं करता तो वहां पर इतनी बड़ी लेडीजों की संख्या थी जिसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। वहीं अशोक बाबा ने 22 जून 2023 को ये वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा, मैं अशोक बाबा बजरंग दल विभाग संयोजक फरीदाबाद, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं। अभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर गुरुग्राम में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस शोभा यात्रा में हमारे कुछ बजरंगियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। अगर जय श्री राम बोलना और रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालना अपराध है तो बजरंग दल ऐसा अपराध करता आया है और करता रहेगा, और रविवार तक अगर हमारे बजरंगियों का कोई भी समाधान नहीं निकलता है या उन पर दर्ज की गई FIR नहीं काटी जाती है तो बजरंग दल भारी से भारी मात्रा में हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेगा। रविवार तक इस बात का समाधान होगा या नहीं होगा यह बाद में बताया जाएगा। सभी बजरंगी जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहें रविवार तक। जय श्री राम। इस बात की तह तक जाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने हरियाणा की ADG ममता सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में माहौल बिगड़ने पर वहां कई जिलों की पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन, क्राइम यूनिट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यूनिट आई थी और क्राइम और CIA की यूनिट सिविल ड्रेस में होती है। वहीं कथित वीडियो के संदर्भ में पूछने पर ADG ने कहा कि इस वीडियो की जांच का जिम्मा मैंने NU SP को दिया है। जी न्यूज की रिपोर्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जी न्यूज ने उनसे पूछा था कि क्या सिविल ड्रेस में भी पुलिस मौजूद थी। उसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर क्राइम यूनिट और CIA यूनिट सिविल ड्रेस में भी मौजूद थी। यानी फायरिंग करने वाला ये व्यक्ति जिसने सफेद शर्ट पहना है असल में बजरंग दल का कार्यकर्ता है, लेकिन जी न्यूज ने वीडियो चलाते हुए ऑन एयर दावा किया कि ये व्यक्ति सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस है। चैनल ने ये भी कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता के गोली चलाने का दावा गलत है, जबकि चैनल अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके वीडियो की बारीकी से जांच कर सकती थी जिससे कि वो आम नागरिकों को गुमराह करने से बच सके।